सर ये 80-20 चला कि नहीं? मुझे बिल्कुल संज्ञान नहीं है आप क्या कह रहे हैं, किस फॉर्मूला की बात कह रहे हैं, क्योंकि हमारी पार्टी में हमने 80-20 का कोई फॉर्मूला सुना नहीं। अच्छा 80-20 का फॉर्मूला ही नहीं सुना आपने? नहीं, कोशिश कर रहे थे। मैं बताना चाह रहा हूँ उन्हें, उन तक संदेश पहुंचा दो, उन तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, भूत मारने का काम करेगी। आप चाहते होगे कि नहीं दोगे? आप कह रहे हैं हम 80-20 नहीं करते हैं। ये जनाब हैं गाजियाबाद से हिंदू युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष आयुष त्यागी, कह रहे हैं कि मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतार लो, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतार देगा। क्या गलत कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन उनको राइट देता है सिटीजन अरेस्ट करने का। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? तो फिर पुलिस वन इंडिया वन कॉल, नहीं तो हिंदू युवा वाहिनी को क्या पुलिस बना दिया क्या आपने? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है भाई साहब। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ये थोड़ी ना कि हिंदू युवा वाहिनी उतारेगी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर थोड़ी ना कि हिंदू युवा वाहिनी उतारेगी वहां पर जाकर मस्जिदों में। सिटीजन है भारत का भाई, हिंदू युवा वाहिनी क्यों हो गया? जब आजम खान वहां पे खड़े होके, आजम खान वहां पे खड़े होके दंगे करवा रहे थे या फिर कोई और दंगे करवा रहा था, मुस्लिमों को बोल रहा था कि खेल दो घर से निकाल निकाल के, जब कश्मीरी पंडितों को, तब कहां थे सब? वो भी तो गलत करे तो दिक्कत है। नहीं तो आप इनको इनको पूरी ठेकेदारी इनको दे दी आपने? नहीं ठेकेदारी की कोई बात नहीं है, वो भारतीय है। नहीं भारतीय है कि हिंदू है? नहीं हिंदू है, ठीक है। अगर देश में कुछ गलत हो रहा है और उसको गुस्सा आता है तो वो बोलेगा। नहीं तो फिर किस किस आधार एफआईआर लिखवाए, देखेंगे कौन से सेक्शन में उसने गलत बात करी। नहीं किस सेक्शन में उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? अगर एफआईआर दर्ज होगी आप उनका केस लड़ेंगे, आप तो खुद वकील हैं, आप खुद वकील हैं, मैं इनका नाम बता देता हूँ, इनका मुकदमा लड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आपको कि आप पुलिस किस काम करेगी, पुलिस का क्या काम है? नहीं नहीं लीगल है या नहीं ये तो कानून तय करेगा ना सर, आप और मैं तय नहीं कर सकते। अगर उन जनाब पे मैं आपसे कह रहा हूँ, अरे मैं वकील हूँ, आपने मेरे से पूछा मैंने बता दिया इट इज नॉट इलीगल, कोई सेक्शन ही नहीं लगता। एफआईआर दर्ज होगी तो करवा दो, भुगत लेगा जिसने बोला उसको। आप मैं भाजपा के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लूं? लेकिन एक हिंदू होने के नाते, एक देशवासी होने के नाते मैं उसको सपोर्ट करता हूं। आप लड़ेंगे उसका केस? मैं लड़ लूंगा, मेरे 10 वकील और हैं, वो लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। वकीलों की दिक्कत, अगर उसको प्रचारित किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे पास खबर ये आ रही है कि उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है, आप लड़ेंगे केस? अच्छा। अगर आयुष को जरूरत होगी तो वो मेरा जूनियर है, वो मेरे को फोन कर लेगा, उसको पता है कि भाई बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बैठा है मतलब क्या? आपके आदेश पर हुआ है क्या ये बयान? नहीं नहीं मेरे आदेश पे नहीं हुआ, छोटा है मेरा वो। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस 80-20 का जिक्र किया था, मैं वो फॉर्मूला पूछ रहा हूँ आपसे, 80-20 चला कि नहीं? देखिए राजनीतिक राजनीतिक धूल पकड़ में बहुत सारे फॉर्मूलाओं का जिक्र होता है, लेकिन अभी इलेक्शन जीत के सरकार की कंटिन्यूटी चल रही है और 80-20 का फॉर्मूला चला है, सक्सेस हुआ है, हमारे हिसाब से हुआ है, नहीं हुआ है वो योगी जी शायद सक्षम रहेंगे दोबारा आपकी किसी पॉलिटिकल स्पीच में उसका जिक्र करने के लिए, लेकिन फिलहाल मैं तो उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा मतलब 80-20 पे बात ना करूं आपसे? हाँ मतलब